नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना, और आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार सचिन। सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 आज समाप्त हो गए, अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन, भारत ने 7 पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे और आठवें स्थान पर पहुंची, और इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 209 रन की जरूरत। खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक 2020 आज समाप्त हो गया। समापन समारोह टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन बिना दर्शकों की उपस्थिति के साथ सादगी से किया गया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। 23 जुलाई से शुरू हुए खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक आज समाप्त हो गए। खेलों का समापन समारोह टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह का आयोजन सादगी से किया गया। समापन समारोह की शुरुआत स्टेडियम में आतिशबाजी से हुई, जिसमें आयोजकों ने अनगिनत व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने ओलंपिक खेलों को समापन समारोह तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद जापान के क्राउन प्रिंस अकिशिनो और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस पार्क आधिकारिक स्टैंड उपस्थित हुए। सबसे पहले जापान के ध्वज को स्टेडियम में लाया गया और जापान का राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद सभी देशों के ध्वज स्टेडियम में एक गोले की आकृति में दिखाई दिए। इस शानदार दृश्य ने लोगों का दिल जीत लिया। परेड में सबसे पहले जापान के खिलाड़ियों ने प्रवेश किया। भारत की ओर से कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। And you can see the Indian tricolor being held aloft by none other than Bajrang Punia. The bronze medalist, one of the 7 moments of joy for the Indian contingent at Tokyo 2020. India's finest ever performance. India took off thanks to Mirabai Chanu. And then a country of 1.4 billion people landed a gold thanks to the 23-year-old superstar. India's first track and field athletics gold medalist. नीरज चोपड़ा। समारोह में उन सभी खिलाड़ियों के साहसिक प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जो रोज कोविड की जांच करवाते थे और बायो बबल का हिस्सा थे। समारोह का मुख्य संदेश था, खेल एक उज्जवल भविष्य के दरवाजे खोलेंगे। समापन समारोह में हर टीम के साथ 10 अधिकारियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी एक साथ एक धुन पर चलते नजर आए और उस क्षण को जीते हुए नजर आए। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने जहां पारंपरिक पोशाकें पहनी थी, वहीं आज समापन समारोह में खिलाड़ी ट्रैक पहने नजर आए। सभी खिलाड़ी स्ट्रांग टुगेदर का मैसेज दे रहे थे। टोक्यो में 11,090 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने 340 स्वर्ण, 338 रजत और 402 कांस्य पदक जीते। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके बाद ध्वज को पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा गया और फिर फ्रांस का राष्ट्रगान स्टेडियम में गूंजा। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हो चुका है और अब सभी को 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों का इंतजार है। सचिन, एक सफल आयोजन जो हुआ टोक्यो ओलंपिक का कोरोना महामारी के बीच, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर नवीन। देखिए, जब पिछले साल खेलों का आयोजन का समय आ रहा था और उसी टाइम महामारी फैल चुकी थी दुनिया भर में, तो एक बार की ये लगने लगा था कि अभी तो ये खेल नहीं ही हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसकी कई वेव आई कोरोना महामारी की, तो ये लगने लगा था मालूम नहीं है अभी खेल कब होंगे नवीन। लेकिन धीमे धीमे इस पे काबू पाया गया और कुछ कम आने लगे केसेस, और इसी बीच में मेजबान ने अपनी तैयारी रखी और जो भी उन्होंने इसके लिए आचार संहिता तैयार की, खिलाड़ी सब उसके अनुकूल व्यवहार करते रहे और बहुत अच्छी तरीके से ये खेल निपट गए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस महामारी के बीच में इन खेलों का आयोजन और उसका बहुत अच्छी तरीके से सफल आयोजन जिससे कहा जा सकता है। सचिन, हालांकि कई खिलाड़ियों ने, कई नामी गिरामी खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में हिस्सा नहीं लिया, उसके बावजूद भी खिलाड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं आई। निश्चित तौर पे नवीन, देखिए जब आप इतने बड़े मंच पे होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं और हर ओलंपिक में नवीन नए सितारे उभरते हैं जी। तो एक ये मौका भी होता है उन खिलाड़ियों के लिए जो अभी तक अनजान रहे हैं कि वो यहाँ पे उभरें और दुनिया में जाने जाएं। तो निश्चित तौर पे देखिए कि बहुत बड़ा मौका था और इसका
पहले तो लोगों 4 साल इंतजार किया, फिर इंतजार वो बढ़ने लगा तो 1 साल और बढ़ गया, तो वो 5 साल बाद ओलंपिक। बहुत से खिलाड़ियों को तो आप देखिए ना कि ओलंपिक का मौका भी नहीं मिल पाता है जी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि एक जैसे कहते हैं ना कि भाग लेना ही ओलंपिक में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, आप ओलंपियन कहलाते हैं, आपके आपके साथ ओलंपियन का तमगा लग जाता है, तो ये भी एक बड़ी बात होती है। तो सभी खिलाड़ियों का ये सपना होता है कि कम से कम अगर मैं किसी खेल को खेल रहा हूं तो अपने जो हाइएस्ट लेवल है ओलंपिक तक मैं जाऊं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करूं। सचिन बायो बबल का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ी, रोजाना सुबह और शाम उनकी कोरोना की जांच हुआ करती थी, एक तरह से उनके ऊपर मानसिक दबाव भी रहा होगा। ये तो बहुत बड़ा दबाव रहा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। आप देखिए ना कि हम लोग इससे पहले क्रिकेट टीमों के अपने जब कवरेज के दौरान सुनते थे कि बायो बबल में है, बबल बायो बबल में कोई सेंध लग गई, कोई खिलाड़ी कोरोना पीड़ित हो गया, फिर वो तो बहुत मतलब अजीब सी स्थिति हो जाती थी कि ये मैच होगा, ये टूर्नामेंट होगा, खिलाड़ियों के जत्थे को बढ़ा दिया गया, कई कई खिलाड़ी ज्यादा भेजे गए, तो ये बहुत सी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे तो व्यक्तिगत तौर पे खिलाड़ियों को भाग लेना था, सिर्फ ये टीम स्पर्धाएं नहीं थी। तो आप सोचिए ना कि अगर कोई खिलाड़ी अगर कोरोना से पीड़ित हो जाता तो उसका तो पूरा कैरियर दांव पे था, तो ये एक बड़ी चीज होती है। तो निश्चित तौर पर उन लोगों के साथ दबाव तो बहुत रहा होगा, लेकिन जिस तरह से संभाला गया वो एक बहुत काबिले तारीफ है नवीन। हालांकि सचिन, क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर समापन समारोह में हमने सुना कि उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया गया जिन्होंने समापन उद्घाटन समारोह से लेकर समापन समारोह तक इसका हिस्सा रखे। देखिए बनता है ये, और ये इतना बड़ा कोई भी आयोजन हो, अगर वो महामारी के उसके बिना भी हो रहा होता तो भी अगर उसको सफल आयोजन बनाना है तो आपको हजारों लोगों की मदद की जरूरत होती है। स्वयंसेवी होते हैं, अधिकारी होते हैं, खेल अधिकारी होते हैं, और वो सब जब जी जान से लगते हैं तभी कोई आयोजन सफल आयोजन हो पाता है। तो निश्चित तौर पे उनका तो धन्यवाद बनता ही है, और वो भी ऐसे दौर में जब एक महामारी का समय चल रहा है, तो उसमें तो ये लाजमी है कि जो भी मेजबान देश है, जो मेजबान शहर है, वो उन लोगों के लिए को शुक्रिया कहे, उनका धन्यवाद अदा करे कि भाई आपने आपकी वजह से ये आयोजन सफल हो सका, इसका संभव हो सका कि हम समापन समारोह तक यहां तक पहुंचे। और एक समय ऐसा लग रहा था जब जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी लगी हुई थी कोरोना की वजह से, तब कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये खेल ना हो पाए, लेकिन इस पूरे खेलों के दौरान सभी खिलाड़ियों और सभी अधिकारियों ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जी, इसी वजह से संभव हो पाया नवीन। यही ये सबसे बड़ी वजह यही रही कि खिलाड़ियों को खुद था कि देखिए कि मुझे हमें कोई इसमें उल्लंघन नहीं करना है, कोई ढील नहीं डालनी है, क्योंकि उनका खुद का कैरियर भी दांव पे था, उनका भविष्य दांव पे था। अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी अगर कोई इस तरह से कोई गलत हरकत करता तो बायो बबल को तोड़ता, तो निश्चित तौर पे देखिए वो तो उसका खामियाजा भुगतता ही भुगतता, लेकिन बहुत से और भी खिलाड़ी भुगतते। तो नवीन वो चीजें नहीं हुई, ये इतने ज्यादा खिलाड़ियों के संख्या के बाद भी, तो ये बड़ी बात है। सचिन, भारत की स्थिति पे नजर डालते हैं, अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा, 7 पदक हमने अपने नाम किए, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। नहीं, ये तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले लंदन में हमने 6 पदक जीते थे, लेकिन उसमें भी कोई स्वर्ण पदक नहीं था, तो स्वर्ण पदक जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने जो पिछला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत में जीता था वो बीजिंग में जीता था, उसके बाद से ये तीसरा ओलंपिक पड़ा, लंदन पड़ा, फिर रियो पड़ा, और फिर ये टोक्यो का नंबर आया, तो ये गैप बहुत लंबा होता जा रहा था। और टीम की बात करें तो सनासी में जीता था हॉकी टीम ने, तो आप जब तक कि आप स्वर्ण पदक जीतना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप खेलों में उस तरीके से अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं हो सकते बतौर देश। तो ये बहुत जरूरी था नवीन कि कम से कम कोई खिलाड़ी ऐसा निकले जो ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक आपको ला के दे, जिससे कि बाकी लोगों में ये संदेश जाए, जो खिलाड़ी जो अब खेल रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनमें ये संदेश जाए कि ऐसा किया जा सकता है, ये संभव है, है तो बहुत मुश्किल लेकिन ये संभव है। सचिन, अगर हम निशानेबाजी को छोड़ दें तो लगभग सभी खेलों में हमारे सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पदक नहीं आ पाएगा, हालांकि एकाध चूक हुई है हमसे, लेकिन जहां भी हमने थोड़ा सफल तरीके से खेले हैं हम पदक लेकर आए हैं, फिर चाहे वो भाला फेंक हो, मीराबाई चानू हो, बैडमिंटन हो या फिर हमारे कुश्ती हो। नवीन, ये उन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं जो भी 3 आपने उदाहरण दिए हैं, ये अपने टॉप लेवल पे थे जी, और इन लोगों से पूरी उम्मीद थी।
सचिन, तो आप अगर पीवी सिंधु की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने रियो में रजत पदक जीता था, फाइनल में पहुंची, ठीक है, इस बीच में उनका समय थोड़ा सा खराब गुजरा और ये कोरोना काल में भी कुछ उनकी उपलब्धियां ऐसी नहीं रही, लेकिन वो एक बड़ी खिलाड़ी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मीराबाई चानू आपको मालूम ही है कि वो नंबर दो थी, तो बस बात यही है कि उस नंबर दो अपनी रैंकिंग को उनको साबित करना था। चीन की खिलाड़ी उनसे पूरे साल आगे रही थी और जो चोपड़ा के साथ यही अच्छी बात थी कि चोपड़ा को कंपटीशन बहुत तगड़ा मिल सकता था, लेकिन उनकी जो एक कंसिस्टेंसी थी उन्होंने उसको बनाए रखा क्वालिफाइंग में भी और फाइनल मुकाबले में। तो सचिन, ये तो वो शीर्ष खिलाड़ी थे जो अपने अपनी इवेंट में शीर्ष पर थे। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, आप बात करना चाहते हैं गोल्फर अदिति अशोक की जो 200वें स्थान पर थे और उसको उन्होंने बाद भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जी, ये वो खिलाड़ी थी। हम बात करें रवलीना के पदक की, अगर हम बात करें, अगर हम हॉकी की, वो उनका नाम कोई इस तरीके से नहीं लिया जा रहा था कि वो पदक की दावेदार होंगी। मैरी कॉम का नाम लिया जा रहा था। मैरी कॉम का हारना सेमीफाइनल से पहले, जब वो क्वार्टर फाइनल में हारी, तो थोड़ा सा एक अप्रत्याशित था, तो दुखद भी था कि भाई इतनी महान खिलाड़ी और, लेकिन अब आप खेल है, खेल का ये हिस्सा है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने वाकई बहुत अच्छा खेल दिखाया और सबसे बड़ी बात है कि हॉकी टीम की हम यहां चर्चा करना चाहेंगे कि जिस हॉकी टीम की हम हर बार बात करते थे, खासतौर से पुरुष हॉकी टीम की, कि भाई जाओ पदक लेके आओ, हमारा सोना था, हमारा सोना कहाँ है, हम लोग हमेशा यही लिखते आ रहे हैं कितने सालों से नवीन, लेकिन ये अभी तक संभव नहीं हो पा रहा था। इस बार ऐसा हुआ, हालांकि पहला मैच जिस तरीके से हारे थे तो सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि कोई भी नहीं था ऐसा जो ये ना लिख रहा हो कि भाई ये क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से हमको हरा दिया था, लेकिन उसके बाद ये भी टीम अपने रंग में जबरदस्त वापसी करी, खड़ी हुई, लड़ी, जीती और कांस्य पदक के मुकाबले में भी जीती, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नवीन। हालांकि सचिन, ओलंपिक में शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी टीम ने हार कर भी पूरे विश्व का दिल जीत लिया। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, हॉकी का जब जिक्र होता है तो भारतीयों के लिए वो अलग एक जगह रखती है हॉकी, क्योंकि वो उन्होंने वो स्वर्णिम दौर देखा है कि जब गोल्ड के अलावा और कोई सवाल ही नहीं होता था, मतलब हमारी टीम गई तो इसका मतलब कि स्वर्ण पदक आएगा, तो वो तो नई पीढ़ी ने भी यही जाना कि भाई हमारी हॉकी टीम का ये इतिहास रहा है, तो लोग उस इतिहास को फिर से एक बार ये दोहराते हुए देखना चाहते थे, तो इस बार ही जाके संभव हो पाया है कि कम से कम हम पोडियम पे पहुंची हमारी टीम और वो कांस्य पदक आया। अब इससे मुझे लगता है कि देश में एक नई लहर पैदा होगी। गोल्फ की बात करते हैं, अदिति अशोक एक ऐसा नाम है, हालांकि उनका दूसरा ओलंपिक खेल है, 200वीं रैंकिंग थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेली है ओलंपिक खेल, दो दिन लगातार वो बहुत अच्छा खेली, हालांकि किसी वजह से यूं कहें कि थोड़ी किस्मत उनकी ठीक नहीं थी या कुछ कह सकते हैं आप। देखिए, खेलों में किस्मत का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये बात ऐसा नहीं है कि ये हम ही कह रहे हैं, ये नीरज चोपड़ा जो सबसे बड़े अभी नायक बन के इन खेलों के ऊपर, उन्होंने भी ये बात मानी है। देखिए, अगर कोई इससे आगे कोई भाला फेंक सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं फेंक सकता था, इस ये 87 मीटर कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मार्क नहीं था, लेकिन नहीं कर पाए बाकी जो भाला फेंकने वाले हैं, जेवलिन थ्रोअर, तो निश्चित तौर पे फिर पदक हमारा बना, क्वालिफाइंग में टॉप पे रहे। क्वालिफाइंग में तो हमारी कमलप्रीत भी बहुत आगे रही, बहुत आगे थी, लेकिन फाइनल में हम सब जानते हैं कि उनको किन स्थितियों का सामना करना, किस तरह से कड़ी चुनौती मिली। तो कई बार ऐसा होता है, निशानेबाज भी हमारे क्वालिफाइंग में टॉप पे रहे थे, लेकिन फाइनल में रिजल्ट हम सबके सामने है कि क्या हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिफाइंग का जो परिणाम होता है वो फाइनल में उस तरीके से उसको दोहरा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम यहाँ पे टॉप पे रहें तो यहाँ पे भी हम टॉप पे रहेंगे और गोल्ड मेडल हमारा हो जाएगा। तो बहुत देखिए, अब दुनिया भर के सब शीर्ष एथलीट वहां होते हैं नवीन, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके के प्रदर्शन को कर पाना। सचिन, मैं यहाँ कुश्ती की चर्चा आपसे करना चाहूंगा। कुश्ती में रवि दहिया का नाम ऐसा उभर कर नहीं आ रहा था, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता, जबकि बजरंग पुनिया से हमें स्वर्ण की उम्मीद। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये आपने बहुत मार्के की बात करी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस खिलाड़ी पे कम निगाहें होती हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव कम होता है। बजरंग पुनिया को तो हम लोग कितने सालों से स्वर्ण पदक का दावेदार बता के उनसे बात करते थे, और मुझे लगता है जब भी कभी मीडिया से उनका आमना सामना होता तो यही लोग पूछते थे कि बजरंग गोल्ड कब आएगा,
या टोक्यो से गोल्ड लाओगे ना, तो आप समझिए नवीन कि जब कभी किसी खिलाड़ी के साथ इस तरीके से पूरे देश का एक अपेक्षाएं हो तो उस पर कितना एक दबाव आता है। लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा लड़े, ये अलग बात है कि उनको रेपेचेज में जाना पड़ा, वो नहीं पहुंचे आगे के राउंड तक, रेपेचेज में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पे जाके कम से कम अपना पूरा दमखम दिखाया और कांस्य पदक लेके आए। हालांकि वो कांस्य पदक से खुश नहीं है, पदक तो देखिए ओलंपिक का बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े बड़े हमारे और भी पहलवान हुए लेकिन वो कभी ओलंपिक पदक नहीं ला सके। जबकि असली बात यह है कि 1952 में हेलसिंकी में सबसे पहला हमें व्यक्तिगत पदक ही कुश्ती में मिला था, लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं कि एक लंबे समय तक तो हम लोगों को कोई पदक ही नहीं मिला। फिर 96 में जाके लिएंडर पेस ने व्यक्तिगत पदक की जब शुरुआत करी तो फिर धीमे धीमे हम लोग इस उस पे आए कि कई पदक जीतने लगे। 2008 का जो मैं जिक्र करूं आपसे कि भाई कुश्ती में भी मिला, बैडमिंटन में भी मिला, बॉक्सिंग में भी मिला। तो नवीन एक बड़ा मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी के लिए इस तरीके की अपेक्षाओं पे उतरना, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए पदक पहन के कूदने वाला अवसर नहीं है, मैं स्वर्ण के लिए आया था, मैं वो नहीं कर पाया। सचिन, बहुत संक्षेप में आप उन खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे, हालांकि जो पदक नहीं ला सके लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, वो तो देखिए मैंने शुरुआत में ये बात कही कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि आप उन खिलाड़ियों के बीच में जाते हैं, हर खेल के लिए मानक तय किए जाते हैं, हम उन मानकों को पूरा करते हैं और वहां पे जाते हैं और अपने अपने जौहर को, अपने फन को दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि होती है। नवीन, भारतीय पुरुष हॉकी और महिला हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जारी रैंकिंग में तीसरी और आठवें स्थान पर पहुंच गई हैं। ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण भारत ने यह उपलब्धि हासिल की। सुनते हैं चारू की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जारी विश्व रैंकिंग में बेल्जियम पहले जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। भारत ने इस ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय महिला टीम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। इससे पहले मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम विश्व में चौथे स्थान पर थी। भारतीय टीम ने ये उपलब्धि 2020 में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल की थी। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम की अब तक की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग 9वीं थी, जिसे उन्होंने 2018 में लंदन में खेले गए विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हासिल की थी। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद भारतीय टीम शीर्ष क्रम की एशियाई टीम बन गई और जकार्ता पालेमबांग 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक हासिल किया। दोनों ही टीमों ने ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। पुरुष हॉकी टीम पूल ए में 5 में से 4 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रही और क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया, लेकिन सेमीफाइनल में बेल्जियम से 5-2 से हार गई। हालांकि ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल करने के लिए जर्मनी पर 5-4 से जीत हासिल की। वहीं महिला टीम को शुरुआती मैचों में 3 हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ा उलटफेर उस समय हुआ जब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व नंबर 3 ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया। हालांकि अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ सेमीफाइनल और कांस्य पदक प्लेऑफ मैच दोनों हार गईं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात क्रिकेट की। नॉटिंगम में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 157 रन की जरूरत है। वर्षा के कारण आज अंतिम दिन का खेल शुरू नहीं हो सका। कल का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट पर 52 रन बना लिए थे। सचिन, बहुत अच्छा था ये मौका भारत के लिए। एक हम ये कह सकते हैं सुनहरा मौका था कि जब वो पहले ही टेस्ट में जिसके साथ शुरुआत कर सकता था सीरीज में, लेकिन बारिश ने जिस तरीके से खलनायक का काम किया है ये बहुत ही निराश करने वाला होगा भारतीय टीम के लिए। गेंदबाजों ने नवीन इस मैच में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी बात है कि सारे विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। अब बल्लेबाजों की बारी थी कि इतने छोटा लक्ष्य जब मिला था तो कम से कम उसको पार करके जीत दिला के सीरीज की अच्छी शुरुआत करें। और सचिन, लंच तक का समय हो चुका था, अब आधे दिन का समय बचा है, भारत क्या करेगा अगर मैच शुरू होगा। बहरहाल आज के संक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। आज मेरे साथ इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए थे खेल विशेषज्ञ सचिन। सचिन धन्यवाद। धन्यवाद नवीन।